और भैया लोग कैसे हैं? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेक मेरा है। अब ब्रेक मेरा है तो सोचे थे भैया स्टार्ट से फिनिश करेंगे, लेकिन इनका जब अकाउंट देखे तो थोड़ा सा सकपका गए। और सकपका इसलिए भी गए क्योंकि भैया मेरा एक भी बॉल गया नहीं। अब नहीं गया तो ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में जब चांस जाता है ना, 100 CCP प्लेयर, 596, इतना, ये लोग पुराने चावल हैं यार, ये लोग ऐसे नहीं टूटने वाले। ये लोग, इन लोग के हाथ में चांस गया तो फिर गेम ख़त्म ही होता है। मैंने देखा है, मैंने बहुत देखा है, इसलिए बर्लिन में बोलता हूँ कि यहाँ पे डिनायल बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब इनके पास चांस चला ही गया था, तो उम्मीद तो नहीं था कि हाँ ये वापस मेरे को चांस देने वाले हैं। तो धीरे धीरे इनका गेम देखते हैं अब क्या, यहाँ पे रेड खेल रहे हैं यार। गलती से ज़ोर से ना मार दीजिए, ज़ोर से मत मारिए भैया, ज़ोर से मार दिए। ये लो भैया, तो तोहफा दे दिया हमको, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। फट चलते हैं अगले मैच में भैया, यहाँ भी मेरा चांस है। अभी ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक तो ब्रेक होने के बाद फिर कोशिश यही रहेगा कि एक भी बॉल चला जाए तो फिर डिनाइल ही देंगे। अब एक बॉल तो चला गया, अब हम तो हैं भैया सॉलिड, तो सॉलिड ही खेलेंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे सॉलिड खेलना ही सही रहेगा, क्योंकि ब्लैक को पोजीशन को देखते हुए सॉलिड ही सही रहेगा। तो यहाँ पे भैया मेरा ऑरेंज चला गया, एकदम हल्लू से मारे जिससे कि मेरा येलो पे भी पोजीशन बन जाए। तो अब येलो के खेल लेंगे, इसको भी एकदम हल्लू से मारेंगे, एकदम सब हल्लू हल्लू शॉट से मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्पल चला जाएगा, पर्पल को भी एकदम हल्लू से मारेंगे। उसके बाद अब ग्रीन पे बच जा रहा है तो ग्रीन भी यहाँ से एकदम मस्त चला जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या है ना कि यहाँ पे ब्लू और रेड इस ये कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को एक साथ लेते हैं। गलत हो गया क्या? छोड़ो, अब दोनों एक चला गया, रेड चला गया, रेड को भी चला गया। उसके बाद यहाँ पे ब्राउन चला जाएगा, एकदम हल्लू हल्लू, देख रहे हैं ना, उसका बॉल टच भी नहीं हो रहा है। गलत हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से अब ब्लू को ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ब्लैक पे पोजीशन बन गया है, तो ब्लैक को भी एकदम ये लीजिए भैया जी, चाइनीज़ में गाली दे रहे हैं, छोड़ो हटाओ। अब गाली वाली समझ में नहीं आता है तो लगता भी नहीं है। तो भैया ये भी गेम खत्म हो गया, फटाफट अगला मैच लगाते हैं। अगला मैच में भी ब्रेक मेरा है। ब्रेक मेरा इसलिए है क्योंकि मैं ब्रेक ट्रिक यूज़ करता हूँ, ये जो सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये लीजिए, वाइट बॉल चला गया, वाइट बॉल जाने के साथ ही मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। अब अरमानों पर पानी फिर गया है तो इनके हाथ में बॉल चला गया, अब इनके हाथ में बॉल चला गया तो ये देखिए बॉल पकड़ के इधर उधर नाच रहे हैं। गलत हो गया, बॉल लेके इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, अब इनका गेम देखने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है, तो हम अपने चारा को खाते हैं और उसके बाद इनका गेम देखते हैं। तो गेम देखिए, ये धीरे धीरे अब क्या करते हैं, अब ये गेम ख़त्म ही करेंगे क्योंकि उम्मीद नहीं है भैया। देखिए सारा बॉल इनका खुला हुआ है। ठीक है, तो अगर एक भी गलती नहीं करते हैं तो आराम से ये डिनाइल दे ही देंगे, और दे ही देना चाहिए क्योंकि ब्लैक बॉल भी बहुत मस्त पोजीशन में भाई, एकदम इन इसके लिए इससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता है कि आप डिनाइल दे दो। ठीक है, तो अब इनको डिनाइल ही देना चाहिए। तो हम भी यही उम्मीद करके बैठे थे कि ये डिनाइल देंगे, फिर भी देख रहे थे कि 1% भी उम्मीद रहता है ना कि हाँ चलो क्या पता चांस मिल जाए तो हम जीत जाएंगे। तो ये देखिए ब्लैक जा रही यार, ये वो स्ट्राइक्स में टच हो जाता ना तो ये चला जाता। अब चूंकि मेरे पास चांस आ गया तो इनके पास तो अब कुछ बचा नहीं, तो इनको तो वैसे ही लीव कर देना चाहिए। देखिए अगर आप लोग मेरे को जानते और आप लोग को कभी हम बर्लिन में मिल गए और आप लोग के हाथ से चांस चला गया तो वक्त बचाइएगा और चले जाइएगा, क्योंकि फिर वो आपको वापस चांस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मजाक कर रहे हैं भाई, इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको भी चांस मिल सकता है, मेरे को भी चांस वापस से मिल सकता है, और उसके बाद फिर डिनाइल भी आप लोग को पड़ सकता है। ठीक है, और नहीं भी पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब सिर्फ कहने वाली बातें हैं, ये गेम है, गेम में कुछ भी हो सकता है, और ये गेम में तो सच में कुछ भी हो सकता है। तो ये फिर एक एक करके मैं बॉल ख़त्म कर रहा था, यहाँ पे अब सिर्फ ब्राउन बच गया, ब्राउन ख़त्म किया, बस ब्लैक के पोजीशन बन गया, तो यहाँ पे अब ब्लैक चला जाएगा बहुत इजी से। तो ऐसा है कि हाँ चांस दीजिएगा तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे आपको हराने का। अब ये भैया का तो हो गया पैकअप, चलते हैं अगले मैच पे। ब्रेक मेरा यहाँ पे है क्योंकि मैं करके आया, ब्रेक ट्रिक यूज़ करके आया, इसलिए ब्रेक मेरा है। और ब्रेक जैसे कि दो बॉल चला गया, यहाँ पे देखिए टेबल बहुत उलझा हुआ है, ज़िंदगी और किसी चीज़ की तरह तो उलझा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्ट्राइप्स को खेलेंगे, प्लानिंग नहीं है बस खेलेंगे। तो यहाँ पे टूटा तो नहीं, अब यहाँ पे ब्लू पे खेलेंगे जिससे कि कुछ तो हो जाए, चूर चूर, मतलब चूर चूर नहीं, कुछ तो टूट जाए।
अब टूट गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ग्रीन को खेलेंगे हल्का सा बैक स्पिन पे जिससे कि मेरा बॉल वहीं पे रुक जाए, अब क्योंकि वहीं पे ज़रूरत भी है क्योंकि यहीं पे तीनों बॉल भी है तो यहीं पे रुकना ज़रूरी है। तो यहाँ से येलो ले लेंगे, थोड़ा ज़ोर से मारेंगे जैसे कि मेरा कुछ तो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब रेड को ले लेंगे, अब रेड को लेंगे तो जैसे पर्पल मेरा हट जाएगा यहाँ से, ये थोड़ा इंटेंशनल है। तो यहाँ से पर्पल हट गया, पर्पल को खेलेंगे हल्का सा बैक स्पिन पे खेलेंगे जिससे कि मेरे पास ब्लैक को खेलने के लिए जगह बन जाए। अब ब्लैक के लिए अच्छा पोजीशन है, पोजीशन ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा लेफ्ट स्पिन लेंगे जैसे कि मेरा वाइट बॉल सेफ हो जाए, अब वाइट बॉल सेफ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब ब्लैक तो चला गया भैया, अब इनके यहाँ से मैच भी चला गया, तो ये पड़ गया फिर से डिनायल। फिर से ब्रेक ट्रिक यूज़ करके आगे ब्रेक करने के लिए, जैसे ही ब्रेक करेंगे तो जितना बॉल जाएगा जिस तरीके का बॉल जाएगा उस तरीके का प्लानिंग बनाएंगे। अब यहाँ पे बॉल तो चला गया, अब प्लानिंग ये बनाना, ब्लैक को खेलने के लिए कोई सा भी बॉल को आप चूज़ कर सकते हैं, किसी से नहीं जाएगा, आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा मेहनत। तो यहाँ पे ऑरेंज फंसा हुआ है, तो ऑरेंज फंसा हुआ है तो यहाँ पर्पल को अगर ज़ोर से मारा जाए तो ऑरेंज खुल जाएगा मेरा, तो वही किया जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरा ऑरेंज तो खुल गया, अब रेड फंसा हुआ है, रेड को खोलने के लिए भी तिकड़म लगाना पड़ेगा, तो हल्का सा ब्राउन को बैक स्पिन पे खेलेंगे जिससे कि मेरा रेड खुल जाए। तो यहाँ पे खुला तो नहीं, लेकिन चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हुआ। यहाँ पे अगर येलो को बैक स्पिन पे खेला जाए तो मेरा रेड पक्का टूट जाएगा, तो यहाँ पे रेड मेरा टूट गया। अब यहाँ पे देखिए दो बॉल है जो रेल के नज़दीक है, तो पहले ऑरेंज को ख़त्म करेंगे फिर रेड को ख़त्म करेंगे, इससे क्या होगा कि मेरा ब्लू पे बढ़िया सा पोजीशन बन जाएगा। अब लेकिन देखिए ब्लैक को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लैक भी बढ़िया पोजीशन में है नहीं, तो यहाँ पे ब्लू के साथ एंगल तो बन रहा है, बस यहाँ पे तोड़ना है। टूट गया, बहुत बढ़िया बात है भाई, ब्लैक भी टूट गया, तो अब यहाँ से क्या करना है, सिंपल बैंक शॉट है तो बैंक शॉट खेल लिए, ये ब्लैक भी चला गया, हो गया काम खत्म भैया। फिर से डिनायल पर, आप लोग देख रहे हो ना डिनायल कैसे बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया, अभी डिनायल नहीं तो कॉइन्स नहीं बनेगा, और ये बहुत सच बात है अभी के टाइम पे। अभी जो भी कॉइन्स बनाना चाहते हैं वो अभी ज़्यादा स्टंटबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो कर भी रहे हैं तो उनके पास बहुत कॉइन है, उनके पास कॉइन की कमी नहीं है, इसलिए वो स्टंटबाजी कर रहे हैं। तो अगर आपको कॉइन बनाना है, आप बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको तो डिनायल देना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे देखते जाइए कैसे स्टेप बाय स्टेप आप डिनायल दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हल्का सा बैक स्पिन पे खेल लिए जिससे मेरे पास ऑरेंज के लिए बॉल बच जाएगा। अब यहाँ पे ऑरेंज के बाद हमको लेना है, अरे यार ये तो ब्राउन बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, हल्का सा एकदम मारेंगे ना तब जाएगा, बच जाएगा वाइट बॉल भी। और देखिए ये चला गया, बहुत अच्छी बात है भाई, यहाँ पे ये बॉल फंस गया था, वरना मेरा तो हो चुका था कांड, तो डिनायल नहीं जाता। अब पता नहीं सामने वाला प्लेयर जेन्युइन है, एक यूज़ कर रहा है, कौन जाने भाई, कौन दे किसको चांस ही नहीं देना है। अगले मैच पे यहाँ भी ब्रेक टू फिनिश की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कौन बॉल जाता है कौन नहीं जाता है। यहाँ पे दो सॉलिड चला गया। अब देखिए जो ब्लैक का पोजीशन है ना, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा सॉलिड लेना ही सही रहेगा। तो यहाँ पे अब देखिए मेरा पर्पल भी फंसा हुआ है, इसको तोड़ने के लिए उपाय निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, बस एक एक करके बॉल ख़त्म करना है, रेड को मारेंगे हल्का सा जिससे कि मेरा पर्पल के लिए पोजीशन बन जाए। तो देखिए यहाँ पोजीशन बन गया ना, अब क्या था, अब कुछ नहीं था, बस एक बार पर्पल खुल गया, उसके बाद फिर ब्लैक भी चला जाएगा। तो अब धीरे धीरे बस बॉल ख़त्म करना है, यहाँ पे ब्लू को ले लेंगे। अब ब्लू को लेने के बाद हल्का सा बैक स्पिन पे खेलेंगे जिससे कि ग्रीन के लिए पोजीशन मेरा बना हुआ रहे। तो अब ग्रीन भी चला जाएगा, इसको हल्का सा खेलेंगे, देखो पोजीशन तो सही नहीं बना, लेकिन हाँ यहाँ से ब्लैक जा सकता है, तो हल्का सा लेफ्ट स्पिन भी ले लेंगे जिससे कि मेरा वाइट बॉल सेफ रहे। तो अब यहाँ पे वाइट बॉल भी सेफ है, ब्लैक भी चला गया, तो ईजी डिनायल। अब चलते हैं अगले मैच में, ये देखिए ये भैया चीट यूज़र है कन्फर्म, अब तो इसके अगेंस्ट तो डिनायल देना ही पड़ेगा। वैसे आपको बर्लिन में हर के अगेंस्ट आपको डिनायल देना ही पड़ेगा, वरना कॉइन्स आप भूल जाइए कि कॉइन्स बनेगा, कॉइन्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अब क्या करना था, यहाँ पे बस एक एक करके बॉल खोलना था, तोड़ना था और ख़त्म करना था। तो यहाँ से अब देखिए येलो को ले लेंगे, ज़ोर से मारेंगे जिससे कि मेरा जो ब्राउन फंसा हुआ है वो भी चला जाए ग्रीन के थ्रू। यहाँ पे चला गया, अभी क्या करना है, बस दो बॉल एक बार में चला गया, तो अब सिंपल है, यहाँ ग्रीन को हल्का सा मारेंगे जिससे कि जो मेरा ऑरेंज फंसा हुआ है वहाँ पे हम बैंक शॉट खेल सके। तो अब यहाँ पे देखिए अब बैंक शॉट यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से पर्पल भी हट गया, यहाँ से बहुत मक्खन सा पोजीशन बन गया एकदम ब्लैक के लिए, और यहाँ से ब्लैक को बैंक शॉट पे खेल लेंगे, ख़त्म हो गया। तो डिनायल भी, अब चीटर को भी डिनायल पड़ गया। तो अब देखिए क्या था कि बहुत चीटर्स आ रहे थे जैसा कि मैंने आपको बोला, अभी क्या है कि आप जीत तो जाओगे लेकिन फिर जब जीतने लगते हो ना तो फिर आपको चीटर्स मिलने लगते हैं, तो बर्लिन में तो बहुत ऐसा होता है यार, बहुत चीटर्स आते हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए बोले ना कि अभी कॉइन्स बनाना बहुत मुश्किल है, अभी क्या है कि जितना जीतिएगा उतना सब ये लोग लेके चला जाएगा। अभी मिनी क्लिप ऐसा ही डिज़ाइन कर दिया, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता यार। तो रोम गए थे, सोचे रोम में बर्लिन में बहुत चीटर्स आ रहे रोम ही खेल लेते, लेकिन ये रोम में भी गंद मचा हुआ, अभी क्या ही बोले यार, समझ में नहीं आता, खेलने का मन नहीं करता यार ये गेम, बहुत सच में बहुत डिप्रेसिंग हो गया। पता है ये चीट कौन यूज़ करते हैं, चीट वही लोग यूज़ करते हैं जो ऑल्टो गाड़ी खरीद के फरारी
फेरारी का स्टिकर लगाते हैं, क्योंकि इनके पास तो फेरारी की औकात होती नहीं है। तो बस समझ लो आप लोग, छोड़ो यार, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।